खबर दतिया जिले से है, जहां कांग्रेस की आभार यात्रा पहुंची। इस आभार यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव पवन कुमार पटेल द्वारा प्रेस वार्ता कर पिछड़ा वर्ग को दिया गया 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस इस कार्य की सराहना की गई। साथ ही बीजेपी पार्टी पर एम पार्टी के नेताओं को लेकर जमकर पलटवार किया गया। प्रदेश महासचिव पटेल ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान जन दर्शन यात्रा के दौरान सिर्फ लोगों के बीच दर्शन देने ही जाते हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते। साथ ही कोरोना को लेकर भी बीजेपी पार्टी पर वार किया। जनता को दर्शन देने के लिए निकले हो तो हमेशा निकलते रहते हैं जन दर्शन के, जनता की परेशानी दूर करने का कुछ काम करे तो समझ में आता है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जिन बातों को करके सरकार में आए, सत्ता में आए, उन बातों की बात नहीं करते हैं। आज इनका सिर्फ और सिर्फ जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस मुद्दे से भटकाने का काम प्रयास किया करता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाएंगे, बड़े बड़े वो लग जाएंगे, जन दर्शन कर जाएंगे। मैं कहता हूँ 2014 के बाद की बात कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं करता है? क्यों शिवराज सिंह चौहान, किसी भी नेता का देख लीजिए, 80% वो सिर्फ राहुल गांधी जी की बात करेंगे, कमलनाथ जी की बात करेंगे, उनकी बात ज्वलंत मुद्दों की बात नहीं करते। 2014 में जिन जिन बातों को लेकर उनकी बात क्यों नहीं करता? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं बोलता है कि हम ये सब कंपनियां बेच रहे हैं, हमको वोट दो? दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।